अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय शो। आप देख रहे हैं मेरी आवाज विद उज़्मा बाबर और मैं हूं आपकी होस्ट उज़्मा बाबर। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा फेसबुक पेज और ब्लॉग विजिट करें। तो चले अब हम अपनी रेसिपी की तरफ आते हैं। आज मैं आपके लिए माश की दाल फ्राई का आइटम लेके आई हूँ। ये ढाबा स्टाइल फ्राई दाल है, बहुत मजे की बनती है, जरूर ट्राई कीजिएगा। इसको बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स आपको चाहिए वो नोट कर ले। हरा धनिया गार्निशिंग के लिए, 2 से 3 हरी मिर्चें, 1 टमाटर इस तरह गोल काट लें। माश की दाल ये मैंने 2 घंटे पहले भिगोकर 15 से 20 मिनट उबाल ली है, ये बिल्कुल तैयार है, इसमें नमक शामिल नहीं है। इसके अलावा हमें तड़के के लिए ये गोल लाल मिर्चें 3 से 4, 2 से 3 जो है लहसुन के इस तरह काट लें, जीरा 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून और ऑयल 1/2 कप। तो चलें अब इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पैन में ऑयल शामिल करें। लहसुन शामिल करें, हल्का सा लहसुन ब्राउन हो जाए उसके बाद बाकी इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। अब इसके अंदर हम जीरा और गोल लाल मिर्च डालेंगे, साथ ही साथ दाल शामिल करेंगे। नमक, नमक और कुटी हुई मिर्च शामिल करेंगे। और टमाटर शामिल करेंगे। इसको मुश्किल से 1 से 2 मिनट हम इसको पकाएंगे। ये टमाटर गलाने नहीं है हमने। एक से दो मिनट पकाने के बाद हल्का सा पानी डालेंगे और हरी मिर्च और हरा धनिया शामिल करेंगे। दाल माश को अचार, सलाद, रोटी या चावल के साथ सर्व करें। आपकी फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज।